नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आइए बात कर लेते हैं 30 तारीख को यानी मंडे के दिन मार्केट कहाँ ट्रेड कर सकता है, हमारा क्या प्रेडिक्शन रहेगा। अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे में मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, बट हमारा जो व्यू था व्यू बुलिश था। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और मैंने प्रीवियस वीडियो में लाइन खींचने के लिए कहा था 15226 के आसपास। मार्केट ने क्या किया, 221 से मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दिखाया। अब क्या सिनेरियो बनता है हमारे लिए, अब हो सकता है मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर ही चढ़ना है तो मार्केट ने यहाँ पे हमको एक गैप अप ओपनिंग देना चाहिए। तो जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग दे तो हमको किस हिसाब से इसमें ट्रेड करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। इस इंपॉर्टेंट लेवल पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी मार्केट 15400 के ऊपर निकलेगा तब हम 15500 तक के ऊपर के साइड में टारगेट ले सकते हैं। और 500 का जो ये 500 के जो ये ऊपर की जो लाइन रहेगी, यहाँ पे हमको प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करना है कि यहाँ पे हमको पुट लेना है या नहीं। अगर आपको बुलिश मोमेंटम यहाँ से दिखाई दे रहा है तो आप कॉल में बने रह सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ले रहा है या फिर कोई पैटर्न बना रहा है तो यहाँ पे हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मार्केट में आपने कभी भी एक ही मूव कैप्चर करना है। आप दोनों तीनों मूव कैप्चर करने जाएंगे तो लॉस कर बैठेंगे। जो हमारा प्रिडिक्शन है उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ये हुई गैप अप की बात। दूसरी बात अगर हम करेंगे तो जब भी मार्केट इस जोन के आसपास कहीं ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है, तो ऐसे केस में ये जो लाइन दिख रही है ये हमारा सपोर्ट हो सकता है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से एक ऊपर के साइड में मोमेंटम दिखा सकती है, तब ये टारगेट थोड़ा छोटा हो जाएगा। 15400 के आसपास हमारा ये टारगेट हो सकता है। मार्केट अगर इसको गैप डाउन, यही कहीं मार्केट खुलती है या फिर यही कहीं मार्केट खुलती है और इसको एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करती है और बहुत देर तक अगर यहाँ पे सस्टेन करती है तो हमको बहुत नीचे के टारगेट हमको यहाँ से मिल सकते हैं। सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो तो हमारा रहेगा 15234 के आसपास का। देन यहाँ पे अगर बहुत टाइम अगर मार्केट बिताती है, आधा घंटा या एक घंटा, तो फिर यहाँ से हमको एक नीचे की साइड में और मोमेंटम दिख सकता है। बट मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपको कल के मार्केट में कोई भी एक मूव कैप्चर करना है। दूसरी बात अगर करेंगे बैंक निफ्टी की, जस्ट अ मिनट। बैंक निफ्टी एक बहुत ही बुलिश मोमेंटम दिखाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अभी मार्केट में जो ऊपर के साइड में जो हमारा टारगेट बन सकता है वो है 36,000, क्योंकि 36,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। जब भी मार्केट इस हाई को ऊपर के साइड में ब्रेक करेगी, ये जो हमारा हाई है 35,700, इस हाई को जब भी मार्केट ब्रेक करेगी तब हम 50 पॉइंट का कम टारगेट लेंगे, मतलब 960-950 के आसपास का टारगेट लेंगे, 36,950 के आसपास का। क्यों? क्योंकि हो सकता है मार्केट वहाँ से और बढ़ जाए, बट हमको हमारा टारगेट पहले ही डिसाइड कर लेना है। देन सेकंड जो सिनेरियो रहेगा वो सेकंड सिनेरियो रहेगा हमारा इस ये वाला लेवल 34,498। जब भी मार्केट इसको नीचे के साइड में ब्रेक करेगी हमको एक बहुत छोटा सा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है और जो रिस्की ट्रेडर है वो इसको होल्ड कर सकते हैं। बट हो सकता है मार्केट बुलिश है, बुलिश मार्केट में बेरिश ट्रेड लेके बहुत देर तक रुकना बहुत रिस्की हो सकता है, इसलिए जो रिस्की ट्रेडर है वो अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर ले और आधी क्वांटिटी होल्ड कर ले। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकती है, इस हिसाब से हमको मार्केट में ट्रेड करना है। इन केस कोई और पैटर्न बनता है, चार्ट बनता है, उसका अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ। टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।